मैं अनीशा और आप देख रहे हैं संसार ग्रीन। तो आपको बारिश के मौसम कैसी लगती है? मुझे तो बेहद पसंद है। और अगर ऐसे मौसम में अगर आपके घर में खुशबूदार फूल हो तो बेहद मजा आ जाए। आज की वीडियो में मैं ऐसे फूलों के बारे बताऊंगी जो इंडिया में लगना बेहद कॉमन है और खुशबूदार होते हैं। तो चलिए देखिए हमारी वीडियो और आप भी तय कीजिए कि आपको कौन से पौधे लगाने हैं। इवनिंग प्रिमरोज या बसंती फूलों का बोटैनिकल नाम आयनोथेरा होता है। ये प्रिमरोज की ही एक वैरायटी है। ये एक तरह के एडिबल हर्ब हैं जिनसे कई रंगों के फूल खिलते हैं। इनके फूल हमेशा रात में खिलते हैं और काफी खुशबूदार होते हैं। इनके पौधे बीजों से उगाए जाते हैं। आप इन्हें पार्शियल शेड में भी रख सकते हैं या खुली धूप में भी उगा सकते हैं। इन्हें वेल ड्रेन सॉइल में लगाइए और रोजाना एक बार पानी दीजिए। विशेष देखभाल की इन्हें जरूरत नहीं होती है। यूं ही खूबसूरत फूल खिलते रहेंगे। नाइट फ्लॉक्स या मिडनाइट कैंटी, इनका बोटैनिकल नाम जालूजियास्किया कैपेंसिस है। यह बीजों से उगाए जाने वाले पौधे हैं। मून गार्डन के लिए ये परफेक्ट होते हैं। इनके छोटे सफेद फूल रात में खिलते हैं। फूलों से काफी अच्छी खुशबू आती है। फूल गुच्छों में खिलते हैं और हवा के हर झोंके के साथ हवा में जैसे खुशबू घोलते रहते हैं। इन्हें जाड़े में लगाइए। सितंबर अक्टूबर का महीना इन्हें लगाने के लिए परफेक्ट है। रिच ऑर्गेनिक सॉइल में आप लगाइए और रोजाना पानी देना मत भूलिए। इन पौधों को धूप भी चाहिए। बेला या जैस्मिन सैंबक, इन्हें अरेबियन जैस्मिन के नाम से भी जाना जाता है। इनके फूलों का रंग सफेद और खुशबू बड़ी तेज होती है। खुशबूदार फूलों और इत्र के लिए इनकी बड़े पैमाने पर खेती भी होती है। हालांकि ये बीज से भी उगते हैं मगर कलम से लगाना आसान और तेज है। साथ ही फूलों की क्वालिटी भी अच्छी रहती है। फूल आकार में काफी बड़े होते हैं और खुशबू काफी दूर तक फैलती है। बेला हर तरह की मिट्टी में लगता है। पॉट वेल ड्रेन होना चाहिए। गर्म मौसम और डेली वाटरिंग इनके लिए अच्छा होता है। इन पौधों को साल में एक बार एनपीके और दो बार जैविक खाद जरूर दें। चमेली या जैस्मिनम, ये ऑलिव फैमिली से हैं और इनकी झाड़ी नुमा लता होती है। फूलों का रंग सफेद या हल्का गुलाबी होता है। भीनी खुशबू वाले ये फूल कटिंग या लेयरिंग से लगाए जाते हैं। एक बार आप इन्हें लगा लें तो अगले 15-20 साल तक ये आपके घर आंगन में अपनी खुशबू बिखेरेंगे। गुच्छों में खिलने वाले इनके फूल काफी आकर्षक लगते हैं। चमेली के पौधे पोरश और उपजाऊ मिट्टी में लगाइए। हर 3 महीने में खाद दीजिए और समय समय पर इनकी छटाई करते रहें। फूल खिलते रहेंगे। गर्मियों में इनमें कुछ ज्यादा फूल खिलते हैं। रोज, गुलाब या पाटली, खुशबू वाले फूलों की बात करें तो इन्हें कैसे भूल सकते हैं। गुलाब पूरी दुनिया में उगाए और पसंद किए जाते हैं। बेमिसाल खूबसूरती और मनमोहक खुशबू का अनोखा संगम है। गुलाब का पौधा बीजों से भी उगता है मगर कलम से लगाना बेहतर होता है। गुलाब की सैकड़ों प्रजातियां हैं, उतने ही रंग और डिजाइन, मगर देसी नस्ल खुशबू के मामले में अव्वल है। यह नाजुक होते हैं, गुच्छे में खिलते हैं और एक दिन में ही इनकी पंखुड़ियां झड़ जाती हैं। पर इत्र बनाने के लिए इन्हीं की खेती होती है। ये कट फ्लावर वाले गुलाब से बिल्कुल अलग हैं। गुलाब का पौधा खाद का भूखा और पानी का प्यासा होता है। जी हाँ, पानी इन्हें रोजाना चाहिए और खाद हर दूसरे महीने। जैविक खाद दें तो सबसे बेहतर। धूप भी इन्हें जरूरी है। साल में एक बार इनकी प्रूनिंग जरूर करें। पारिजात या हर श्रृंगार, ये छोटे फूल देर रात में खिलते हैं और अहले सुबह गिर जाते हैं, मगर अपने पीछे छोड़ जाते हैं भीनी खुशबू। इनके बड़े आकार के पेड़ होते हैं। पारिजात के फूल सफेद और डंडी नारंगी या केसरिया रंग की होती है। फूल 5 पंखुड़ियों वाले बड़े नाजुक मगर बड़े प्यारे होते हैं। पारिजात के फूलों का पौधा बटन सेपेट बीजों से उगाया जाता है। हालांकि इनको कलम से भी आप उगा सकते हैं। यह हर तरह की मिट्टी में ग्रो कर सकता है। यदि जमीन में लगाया है तो साल में 2 बार जैविक खाद जरूर डालें। गमले में हर 3 महीने में खाद डालना जरूरी है। गमले में है तो छटाई भी जरूरी होगी। बरसात और जाड़े में ये ज्यादा खिलते हैं। ट्यूबरोज या रजनीगंधा, यह पॉलियंथस ट्यूबरोजा के नाम से जाना जाता है। अपनी बेहतरीन खुशबू और लॉन्ग लास्टिंग क्वालिटी के लिए ये खासे मशहूर हैं। कट फ्लावर के तौर पर इनका इस्तेमाल होता है।
रजनीगंधा के फूल अक्सर सफेद रंग के और लंबी डंडियों पर खिलते हैं। आजकल इनमें भी रंग देखने को मिल जाते हैं। इन्हें कंद या रूट सकर से लगाया जाता है। खुशबूदार कट फ्लावर के लिए इनकी बड़े पैमाने पर खेती होती है। 20 से 32 डिग्री सेंटीग्रेड का तापमान इनके लिए अच्छा है। यह खाद वाली सैंडी लोमी सॉइल में अच्छा ग्रो करते हैं। गर्म आर्द्र मौसम भी इन्हें पसंद है। पानी इन्हें रोजाना चाहिए। मैग्नोलिया, चंपा या स्वर्ण चंपा, इनके फूल बड़े होते हैं, पेड़ भी बड़े आकार के होते हैं। आपके मोहल्ले में इनका एक पेड़ भी होगा तो हर घर सुवासित हो उठेगा। इनकी करीब 250 किस्में हैं। फूलों का रंग सफ़ेद, गुलाबी, पीला आदि भी होता है। फूल काफ़ी बड़े आकार के और तेज खुशबू वाले होते हैं। आप इनको गमले में भी लगा सकते हैं, बस रेगुलर प्रूनिंग यानी छटाई की ज़रूरत होगी। इन फूलों को बीज से या कलम से दोनों ही तरीके से आप उगा सकते हैं। मैग्नोलिया के बड़े पेड़ ड्रॉट टॉलरेंट होते हैं, यानी सिर्फ बारिश के पानी से भी सर्वाइव कर जाएंगे। मगर आपने अगर गमले में लगाया है तो 2 से 3 दिन में पानी जरूर दें। हर तरह की मिट्टी में यह लग जाता है। हर 6 महीने में इनमें कंपोस्ट डालने से अच्छे फूल आएंगे। केवड़ा या केतकी, इनकी खुशबू पूरी दुनिया जानती है। खाने में खुशबू के साथ साथ इत्र बनाने के लिए भी इनकी खेती की जाती है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि भारत का 95% केवड़ा अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जाता है। यह एक प्रकार का पाम है जिसे श्वेत कमल भी कहते हैं। फूल काफ़ी खुशबूदार होते हैं और इन्हें बड़े आकार के फल भी आते हैं। इन्हें आप 14 इंच या बड़े पॉट में लगा सकते हैं। ये हर तरह की मिट्टी में लगते हैं। विशेष देखभाल की इन्हें ज़रूरत नहीं होती है। गर्म और आर्द्र मौसम इनके लिए बहुत अच्छा है। गर्मियों में इनमें खूब फल फूल आते हैं। डोलन चंपा या बटरफ्लाई जिंजर, ये चंपा की फैमिली से नहीं है बल्कि अदरक की फैमिली से हैं। ये सदाबहार होते हैं, यानी एक बार आप लगा लेंगे तो आपका इनका हमेशा का साथ होगा। इन्हें बीज, कंद या रूट सकर से भी लगाया जाता है। डोलन चंपा के फूल आमतौर पर सफ़ेद या गुलाबी रंग के होते हैं। इन्हें गमले में भी आसानी से उगा सकते हैं। फूल आकार में बड़े होते हैं और लंबी डंडियों के ऊपर गुच्छे में खिलते हैं, जो बड़े खूबसूरत लगते हैं। इन्हें भी गर्म और आर्द्र मौसम पसंद है। पौधा हर तरह की मिट्टी में लगता है। पॉट को वेल ड्रेन्ड रखना जरूरी है। पानी 2 दिन के अंतराल में भी आप डाल सकते हैं। लैवेंडर, पुदीने की फैमिली के ये फूलों वाले पौधे हैं। इनका पौधा झाड़ीनुमा होता है, जिस पर लंबी डंडियों में छोटे छोटे फूल ढेरों संख्या में खिलते हैं। ये फूल अपनी तीक्ष्ण गंध और गहरे नीले बैंगनी रंग के लिए जाने जाते हैं। इन्हें बीज या रूट सकर से उगाया जाता है। इन्हें आप गमले में भी लगा सकते हैं। कट फ्लावर के तौर पर भी इनका खूब इस्तेमाल होता है। ये ठंडी जलवायु के पौधे हैं। भारत में ये नवंबर दिसंबर के महीने में बीज से लगाए जाते हैं। इन्हें पोली और हल्की क्षारीय मिट्टी चाहिए, जिसका पीएच 7 से 8.5 के बीच हो। कंपैरेटिवली ये पुअर सॉइल में भी लग जाते हैं। रोजाना हल्का पानी और गोबर की खाद इनके लिए बहुत अच्छी होती है। गंधराज या गार्डेनिया, ये कॉफ़ी की फैमिली से हैं। इन्हें केप जैस्मिन भी कहा जाता है। ये सदाबहार और खुशबूदार होते हैं। गंधराज के फूल सफ़ेद या कभी कभी पीले रंग के भी होते हैं। इनका 2 मीटर तक ऊंचाई का पेड़ होता है, मगर आप बड़े गमले में भी इन्हें लगा सकते हैं। फूल आकार में काफ़ी बड़े होते हैं और मल्टी लेयर्ड होते हैं, जो देखने में बड़े प्यारे लगते हैं। यह पौधा कटिंग से लगाया जाता है। गार्डेनिया वेल ड्रेन्ड एसिडिक सॉइल में लगता है। महीने में एक बार कंपोस्ट डालें तो फूल सालों भर आएंगे। इप्सम सॉल्ट भी इन पौधों के लिए अच्छा होता है। रात रानी या नाइट ब्लूमिंग जैस्मिन, इनका बोटैनिकल नाम सेस्ट्रम नॉक्टर्नम है। रात रानी का पौधा सदाबहार होता है और यह कटिंग या कलम से लगता है। फूल प्रायः सफेद रंग के होते हैं और बेहद मादक मीठी खुशबू इनमें होती है। फूलों की आजकल पीली किस्म भी देखने में मिलती है। फूल रात में खिलते हैं। जुलाई से अगस्त के महीने में इनकी पतली कटिंग लगाएंगे तो जड़ें जल्दी आ जाएंगी। बरसात, गर्मी और फिर जाड़े में भी इनमें ढेरों फूल खिलते हैं।
इन्हें पार्शियल या फिर फुल सनलाइट में रख सकते हैं। कंपोस्ट वाली वेल ड्रेन मिट्टी में लगाइए। आपको तो मेरी वीडियो पसंद आई होगी, नहीं ऐसा हो ही नहीं सकता। तब आप मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब तो आपने कर ही दिया होगा। फिर हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।